इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की सिर्फ आशंका ही अब खौफ बना रही है। डेल्टा प्लस के डेंजर के बीच वार्ड लेवल पर वैक्सीनेशन हो रही है, क्योंकि यही वो उपाय है जिससे कोरोना के डेडली अटैक से बचा जा सकता है, यानी कि तीसरी लहर को रोका जा सकता है। लेकिन कुछ लोग इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिरेल भी करना चाहते हैं, वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में ऐसे 8 लोगों को पकड़ा गया है। जिस वैक्सीन के बूते देश कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जीतने की राह पर चल रहा है, इन 8 लोगों पर उस जंग को हार के कगार पर पहुंचाने की साजिश का आरोप है। वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के आरोप में धरे गए ये लोग गुजरात के वडोदरा में एंटी कोरोना वैक्सीन के खिलाफ तरह तरह की अफवाह फैलाने में, लोगों को गुमराह करने में, भ्रामक जानकारी फैलाने में मुलव्वस पाए गए हैं। वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा की इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी आपको बताएं, उसके पहले इन लोगों का नाम जान लीजिए। नरेंद्र कालिदास परमार, चंद्रकांत बाबू भाई मिस्त्री, विशाल विजय कुमार फेरवानी, चंद्रकांत पिछड़िया, जगविंदर सिंह राजेंद्र सिंह, इरफान यूसुफ पटेल, अवनी उत्कर्ष गजरी, भूमिका संजय गज्जर। इन लोगों की करतूत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि कितने संगठित तरीके से ये लोगों को गुमराह कर रहे थे। बकायदा लोगों को वैक्सीन लेने से मना कर रहे थे, मास्क पहनने से मना कर रहे थे, उनके बीच पर्चा बांट रहे थे। ये पर्चा गुजराती में छपा है, लिहाजा इसका हिंदी अनुवाद पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पर्चे में जो कुछ लिखा है वो देश काल परिस्थिति और कानून के खिलाफ है। मास्क मुक्त रहो, वैक्सीन लेने से दूर रहो। कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। दुनिया के कई मुल्कों में लोग मास्क के बिना घूम रहे हैं। रिसर्च में सामने आया है कि मास्क से ऑक्सीजन की कमी होती है। वैक्सीन में कई संदेहजनक चीजें मिलाई गई हैं। वैक्सीन से पैरालिसिस और नपुंसकता होती है। वैक्सीन से होने वाले असर की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। मास्क ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। मास्क जहरीली सांस को ज्यादा मात्रा में अंदर फेंकता है। मास्क से इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ जाता है। मास्क एंटीबॉडी को कम करता है। टेस्टिंग में गलत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे, वैक्सीन में खतरनाक तत्व मिलाए गए हैं। अवेकन गुजरात और अवेकन बोरोडियन के सदस्यों की इस टॉक्सिक जानकारी फैलाने का आलम यह है कि अब ये लोग जेल जाने से शायद ही बच पाए। मोबाइल एक अवेकन गुजरात मूवमेंट अवेकन वडोदरा। ये लोग अवेकन गुजरात नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। इस ग्रुप के अंदर ये लोग वैक्सीन नहीं लगवानी है, वैक्सीन का फायदा नहीं है, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करेंगे, मास्क मत पहनिए, मास्क का क्या फायदा, इस तरह की चैट करते थे। अब एक ग्रुप में एक चैट करी है। पकड़े गए लोग कानून का सामना करेंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारे लोग अच्छी कंपनियों में काम करने वाले हैं। इन लोगों के खिलाफ धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 143 गैर कानूनी तरीके से सफा करना, धारा 188 सरकारी अधिकारी के आदेश की आज्ञा को नहीं मानना, धारा 270 जीवन के लिए खतरनाक संक्रामक बीमारी फैलाना और आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरोना काल का ये सबसे बड़ा सत्य है कि मास्क और वैक्सीन ये दो हथियार ही लाइफ जैकेट हैं, और ये लोग इन दोनों के खिलाफ ही लोगों को भड़काते मिले। सवाल है, क्या इन लोगों के पीछे भी और कोई है? क्या इन साजिशकर्ताओं के अलावा और भी कई हैं जो वैक्सीन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं? अगर हाँ तो गुजरात पुलिस एक्शन में है और ऐसे लोगों का बच पाना मुश्किल है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।